How far is this operation successful or not successful till now? As per the review reports, I came here today on 15th of December to assess the. So more than I think six. They have mentioned six people from Rajabala. It's not six actually. It's more than that. So somehow the name has been missed out. Anyway. So they are the people who came, and then they are the people who informed me also. And then suddenly I react to it, and then spoke to SPDC. And then accordingly they have followed up the things. And then, so more than I think six. They have mentioned six people from Rajabala. It's not six actually. It's more than that. So somehow the name has been missed out. Anyway. So they are the people who came, and then they are the people who informed me also. And then suddenly I react to it, and then spoke to SPDC. And then accordingly they have followed up the things. And then, आप लोग यहाँ बस्ती से ही है, आप लोग चिंता मत करो, हम वो मेघालया जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ पे हम लिखा है चिट्ठी, वो पेपर में भी आया है। उसके बाद मेघालय का जो चीफ सेक्रेटरी है उसको भी हम चिट्ठी लिखा है, मतलब जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब थोड़ा स्पीड से करना है, अच्छा से करना है ताकि जो बॉडी है वो रिकवरी हो जाए। और एक चीज़ लिखा है, उनको कुछ मतलब कंपेंसेशन होना चाहिए, मतलब जैसे फैमिली में कुछ मॉनेटरी सपोर्ट, कुछ पैसा वैसा मिलना चाहिए, उस हिसाब से भी हम चिट्ठी लिखा है। और जो मेघालय ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम चिट्ठी लिखा है, वो लिखा है आप लोग मतलब सुमोटो कॉग्निजेंस, मतलब जो केस होता है वो केस बनाओ, आप लोग केस बना के जैसे भी विक्टिम जो है, जो विक्टिम फैमिली है, अभी हमारा जो बस्ती है वहाँ से एक परिवार से तीन आदमी मर गया, बेटा मर गया, जमाई मर गया और भाई मर गया, तो कितना दुख होगा, आप लोग को भी दुख होगा। तो कोई बात नहीं है, हम चीफ मिनिस्टर से कल मिलेगा, चीफ मिनिस्टर को पूरा बात बताएगा, कैसे भी मदद, क्या भी मदद चाहिए हम बोलेगा मदद करने के लिए। दिस थिंग दे कैन, इट विल बी इजी फॉर देम टू ऑपरेट, इट सीम्स दे कैन, दे हैव अ लिमिट ऑफ अप टू 30 मीटर्स, सो द वाटर लेवल इज मोर देन 70 फीट, 70 फीट, मोर देन 70 फीट।